सुजाता पॉल, आपसे शुरू कर रहा हूं। अभी तक मीडिया गोदी था, अब पोल भी गोदी हो गया, 4 जून को नतीजे आएंगे, तब नतीजे भी गोदी होंगे क्या? तो पहली बात तो यह है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को, और ऐसा तो है नहीं कि पहले कोई पोल गलत नहीं हुआ एग्जिट पोल। तो 2004 में आपको याद है इंडिया शाइनिंग की बात हो रही थी, आप ही सबने 240 से 275 दिए थे इनको, मगर 187 शायद इनको मिले थे। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जिट पोल है, अगर मैं सब पे जाना शुरू कर दूं तो बहुत समय लग जाएगा। तो 2014 की ही बात कर लेते हैं, जब 261 से 289 दिया गया, मगर इनको 336 मिल गया भाई। लेकिन आज आते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया प्रधानमंत्री को कि भाई वो 100 दिन का रोड मैप करने के लिए एक मीटिंग कर ले रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंस होता तो इन चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। इंतजार कर लेते रिजल्ट का, ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, इंतजार कर लेते, मगर माहौल बनाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। दूसरे सवाल का जवाब, मोदी मीडिया क्यों है ये? आपको आपने क्योंकि सभी के पोल्स के बारे में बताया, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब मैं इनकी बात करूं। कि आपने चाणक्य की बात बताई, मुझे तो आप ही के ट्विटर हैंडल से मिला, जहां राजस्थान में आपने एनडीए को 33 दिखा रखे हैं। टाइपिंग मिस्टेक थी सुजाता, प्लीज मानवीय भूल को लेकर अब आप देखिए उसका मुद्दा बना रहे हैं। गलती किससे नहीं होती, अभी मैं कहूँ राहुल गांधी से कितनी गलतियां होती है, मैं गिनाना शुरू करूँ? सुनिए ना, आपकी गलतियां बता रही हूँ ना, तो सुन लीजिए, क्या दिक्कत है, सबकी गलतियां बताओ। गोदी मीडिया पोल पूछा तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना मुझे। नहीं नहीं, तो टाइपिंग मिस्टेक को अगर आप इस तरह से कहेंगी तो फिर कैसे चलेगा? टाइपिंग मिस्टेक, मानवीय भूल, जिस पर हमने ट्विटर पर माफी भी मांगी है। राजस्थान में हमें भी पता है कितनी सीटें हैं, राजस्थान वो महाराष्ट्र की सीटें थी, गलती से किसी ने राजस्थान लिख दिया। क्या बात कर रही हैं? ये भी बात कर लीजिए, आपने तो 5+-1 दे रखा, यहाँ तो है ही 5 सीटें। अब सिर्फ आपकी बात नहीं करते, जी के एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में 6 से 8 खा रखा है हिमाचल प्रदेश को, जबकि है वहां पर 4। हरियाणा को दिखा रखा है 16 से 18, इंडिया को दे रखा 202 से 4, जबकि वहां पे सीटें हैं केवल 10। इंडिया टुडे माय आर्टिकल का तो इतना कमाल था कि 11 से 13 उन्होंने तमिलनाडु में हमें दे रखा है, जबकि कांग्रेस चल रही है 9 सीटों पर। बिहार में एलजेपी को उन्होंने दे रखे हैं 6 से 8, जबकि वो लड़ रहे हैं 4 पर। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में जो बात हो रही है, 8 से 10 सीटें बता रखी है शिंदे गुट को और 9 से 11 बता रखी है उद्धव ठाकरे गुट को। जो शिंदे गुट है वो लड़ रहा है 15 में और सीटी लड़ रहा है 21 में और 13 में स्टेट वाइड है। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, अब इसे गोदी मीडिया पोल ना बोला जाए तो क्या कहा जाए? आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, सभी की टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कहीं पे भी कुछ भी बढ़ा देंगे, कुछ भी लिख देंगे। तो गोदी मीडिया पोल है, माहौल बनाने के लिए अच्छा है, पर देखते हैं कि मार्केट में कितना उछाल था, कितना पैसा निकाला जाता है, सारी बातें देखने की होगी। आखिर बता रही हूँ, झारखंड में सीपीआई है 1 सीट पे लड़ रहा है, न्यूज नेशन ने दिखा दिया 2 सीट। अब भला बताइए किसका विश्वास करें, इतनी सारी टाइपिंग एरर इतने सारे चैनलों पर, इसलिए ये मीडिया पोल है। मगर चुनाव आयोग को कल पोस्टल बैलेट पहले गिनने की जरूरत है, जो उन्होंने एआरओ से कहा है कि कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं आएगा, इस पर भी चुनाव आयोग का जवाब हम इंतजार कर रहे हैं। और देखना होगा, 4 दिन का इंतजार कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मोदी जी नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, ओके सुजाता, मैं देखो जो बाकी जगहों की आपने गलतियां बताई हैं मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां तक मेरी समझ है उनमें भी सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी। हो जाती हैं गलतियां, इतना लंबा चौड़ा पूरे देश का जब एग्जिट पोल आता है और उसमें हजारों आंकड़े होते हैं, उसमें ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। दूसरा, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, ट्विटर पर जो आपने जिस हमारे एक ट्वीट का जिक्र किया उसमें राजस्थान में हमने 33 सीटें दिखा दी, वो गलती से हो गया था, वो महाराष्ट्र के बारे में लिखना चाह रहे थे, और किसी से हो जाता है, मानवीय भूल हो जाती है, उसको हमने करेक्ट किया और उस पर माफी भी मांगी।
बाकी आप जो कह रही हैं आपको भी पता है कि वो सिर्फ एक गलती है, मिस्टेक है, पर सारे एग्जिट पोल्स का ट्रेंड, सुजाता वन सेकंड, सारे एग्जिट पोल्स का ट्रेंड यही दिखा रहा है कि बीजेपी 325-350 के बीच और एनडीए 400-350-400 के बीच रहेगा। सारे एग्जिट पोल झूठ बोल रहे हैं, सारे के सारे। देखिए, अगर आप ये कहती हैं कि नहीं ये गलत हो जाएंगे, सर्वे है, सर्वे गलत होते हैं, मैं आपका तर्क मानता हूं, क्योंकि कोई भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि नहीं यही होने वाला है 4 जून को, लेकिन सबको, सब सारे एग्जिट पोल्स को, सारी एजेंसीज को, सारे टीवी चैनलों को ये कह देना कि ये मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया पोल है, ये तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसा हो गया। अरे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हम बंदर के हाथ में उस तरह थोड़ी देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई एग्जिट पोल अभी देखिए ना, 2023 में छत्तीसगढ़ में सभी ने कह दिया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, बनी सरकार क्या, मैं तो अपने ऊपर ले रही हूँ ना। तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली में 2015 में आम आदमी पार्टी की इतनी प्रचंड बहुमत आएगी, किसी ने नहीं सोचा था। तो ये सारे आंकड़े हैं, और आपका जब सैंपल साइज होता है तो वो भी देखने की जरूरत होती है, कहां कहां से आपने बात करी। और मैं अपनी बात अगर कर लूं तो जमीन पर रहती हूं। 2022 में जब उत्तराखंड में चुनाव हुआ था तो मैंने कह दिया था कि नहीं, जो बच्चे धरने पे बैठे हैं उनके माइंड में कंफ्यूजन है कि वो भाजपा के खिलाफ हैं मगर वो कांग्रेस की तरफ नहीं आया, और वही हुआ। लेकिन आज मैं जानती हूँ कि वो बच्चा जो लाठी डंडे खा रहा है ना, जिसके पेट में भूख है, घर नहीं जा पा रहा है, और उसकी माँ को 5 किलो राशन में सिमटा दिया, और चुनाव के पहले 3 महीने के 8,000 रुपए या 6,000 रुपए उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, वो पूछ रहे हैं कि क्या यही हमारी नियति है, हमें डंडे और नहीं खाने। ओके, ओके।